आज मुझे बागपत जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैं इस जनपद में नहीं आ पाया था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स हैं जिनमें हमारी निगरानी समितियां हैं, शिमला बोलना शुरू किया, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन सब ने जनता जनार्दन के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और उसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करने में प्रदेश में भी और दुनिया में भी अग्रणी है। मैं बागपत वासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास हुआ है, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे तीनों विधायक, संगठन के पदाधिकारी, ये सभी लोग जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, बागपत वासियों की सेवा कर रहे हैं, वह बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और मेरी आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन से भी अपील होगी, सरकार और प्रशासन पूरा प्रयास कर रही है, हर संभव हमारा प्रयास है कोरोना महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए, इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। लेकिन बीमारी में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर धारण करें, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया है, वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर लें। गरीबों के लिए अन्न योजना चल रही है, उस अन्न योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, बचाव के लिए जो नियम तय किए गए हैं, उस गाइडलाइन का अगर हर व्यक्ति पालन करेगा तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे आज यहाँ करके यहाँ जो प्रगति के कार्य चल रहे हैं, जिस तेजी के साथ बागपत विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, ये देख के प्रसन्नता हुई है। धन्यवाद।